बिसमिल्ल रामीम आप ईजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वो तमाम मालूम जो अप टू डेट है वो मिल जाए आपको ताकि आप हमारे साथ रहें और आपको जो भी फ़ौर एक बड़ी ख़बर आने वाली हो वीज़ाज़ के हवाले से इमिग्रेशन के हवाले से ऑफ़र के हवाले से टूरिज़म वीज़ा के हवाले से या कोई आसानियाँ हों तो आपको फ़ौर बता दी जाए ये आपको कैसे मिल सकती है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करेंगे ताकि आपको फ़ौर नोटिफिकेशन आए और आप उसके ऊपर फैसला कर सकें कि ये ऑफर आपके लिए है या नहीं है इस तरीके से यह आपके पास ये चैनल जो है आपको महीने में कम, असकम, कम असकम से कम कम से कम पंद्रह से बीस वीडियोस देगा ताकि आप लोगों को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिले जिन लोगों को शौक़ है इस फील्ड को ज्वाइन करने का जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूं लोगों को हम लोग लोगों को सर्विस दे रहे हैं इस तरह लोगों का ख्वाहिश है कि उनका अपना बिजनेस हो वो भी लोगों को गाइड करें वो भी उम्र के ऊपर बात करें वीज़े के ऊपर बात करें लोगों को उनकी हेल्प करें और वो पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं या दुबई में है या कतर में है या कहीं पर भी हैं तो वो लोग जो हैं ये आपको मैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है आपके घर के अंदर आपको कोर्स मिल जाता है कंप्लीट कोर्स होता है विथ टीचर होता है टीचर आपके पास होता है टीचर आपको पूरा गाइड करता है आप पूरा कोर्स करते हैं और इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स है ये आप इसको करेंगे तो फिर आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं ने अगर ऑफिस खोलना हो उसमें भी असिस्टेंस आपको मिल सकती है हमारे डिपार्टमेंट आपको उसमें भी हेल्प कर देगा चाहे आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हो या आप बाहर भी हो दुबई में हैं कतर में हैं ओमान में है जहां पर भी आप हैं सऊदी अरब में आप हैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट से ऑफर ये सहूलत मिल सकती है और हमारी कंसल्टेंट फर्म जो है वो आपको हमारे लॉयर्स जो हैं वो आपको ऑफिस बनाने में हंड्रेड हेल्प करेंगे चाहे वो ट्रैवल एजेंसी आप बनाने की बात कर रहे हो या आप जो है वो ओवरसीज कंपनी के हवाले से प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दोनों लाइसेंस मौजूद हैं हम बात कर रहे हैं इस बहुत बड़े ऑफर की और वो ये है कि अमेरिका ने वीजो के लिए इंटरव्यू की शर्त खत्म कर दी है इस बात का बहुत इंतजार था और अक्सर जो हम वापस लोग आते थे वो यही कहते थे कि सर मैं इंटरव्यू देना नहीं चाहता जाहिर है आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी जब तक इंटरव्यू की शर्त थी आपको इंटरव्यू देना पड़ता था आपको वो ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते थे मगर घबराहट की वजह से वीजे खराब हो जाते थे क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग होते थे लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली बता नहीं पाते थे और उसमें गलती हो जाती थी आप कहते शायद मैं यूं कह रहा हूं शायद मैं यूं कह रहा हूं शायद मैं वहां घूमने जा रहा हूं शायद मैं सेमिनार में जा रहा हूं मुझे याद नहीं है मेरे कंसल्टेंट ने क्या लिखा था अब मुझे याद नहीं आ रहा तो वीजा रिफ्यूज ही होगा ना यहां पर उन्होंने वो मसले खत्म कर दिया है और आपकी खबर मेरे साथ दोनों देख सकते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा डिटेल्स देखिएगा वो ये है कि अमरीकी इंतजामिया ने अमरीका आने वालों पर इंटरव्यू की शर्त खत्म करके वीजो का इजरा भी जल्द करने का ऐलान किया है महकमा खारजे के मुताबिक अमरीकी मीशत पर वर्क वीजे वालों की मुस्बत असरा तस्लीम करते हैं और वीजा के इंतजार के औकात को कम करने के लिए पुरजम है कौंसलर्स ने इकतीस दिसंबर के बाद बहुत करीब है फर्स्ट जनवरी 2022 से लेकर बगैर इंटरव्यूज के वीजे जारी करेंगे अमरीकी खारजा महकमा खारजा ने इंटरव्यूज के बगैर वीज़ों की फहरिस्त जारी कर दी है ये नोट कर लीजिए एच वन बी स्पेशल एजुकेशन विजिटर एच थ्री के लिए इंटरव्यू की शर्त खत्म कर दी गई है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर जो होता है एल वीज़ाज गैर मामूली काबिलियत जो होती है ओ वीजाज के लिए भी इंटरव्यू की शर्त खत्म कर दी गई है खिलाड़ियों फनकारों और सरकारी जो सकाफती सरगर्मियां हैं उनके लिए पी वीज़ा जारी होता है उस पर भी इंटरव्यू नहीं होगा सकाफी पैकेज प्रोग्राम क्यू वीजाज के लिए इंटरव्यूज नहीं होंगे जरिए कारकरों के लिए जो जरात से हैं फार्मर हैं उनके लिए भी इंटरव्यू नहीं होंगे एच टू वीजा होता है और शर्त खत्म कर दी गई है इसके अलावा एम वीजा एफ वीजा के लिए भी इंटरव्यू नहीं होंगे तलबा पैकेजेस के लिए जे वीजा के लिए भी इंटरव्यू की शर्त खत्म कर दी गई है महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिका में आलमी कम्युनिटी के ताम को तस्लीम करते हैं और अमेरिका का वीजा तजदीद कराने वालों को भी इंटरव्यू नहीं होगा बगैर तजदीद के आपका वीजा तजदीद हो जाएगा रीन्यू हो जाएगा होमलैंड सिक्योरिटी की रजामंदी से किए गए कि कोरोना की वजह से वीज़ा प्रोसेसिंग की सलाहियत मुतासर हुई डिले हो रहा था बहुत ज़्यादा और उसको फास्ट करने के लिए इन्होंने इकदाम किए काम किए और अब कह रहे हैं कि जिस स्टाफ को और लाया जाए और इस प्रोसेस को फास्ट किया जाए कि जो दुनिया भर से काम के लिए किसी भी काम से पढ़ने के लिए रोजगार के लिए इमिग्रेशन के लिए अमेरिका आ रहे हैं तो उनका इंटरव्यू ना किया जाए एक ऐसा पॉइंट जो आप लोग उसमें लेकिंग हो रही थी प्रॉब्लम हो रही थी उसको अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है इसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल पे डालने वाले हैं बहुत तफसील डालने वाले हैं ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है इसका मतलब क्या है एच वीज़ा एच बी वन वीज़ा एल वीज़ा पी वीज़ा ओ वीज़ा ये सब क्या है और आप किस में फुलफिल होते हैं कौन सा वीजा आपके लिए है ये आपने फिर अपनी वीडियो के मुताबिक अपनी मतलब की वीडियो को देख करके आप हमारे ऑफिस से फिर रहा कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं जो आपसे अमेरिका मांग रहा है प्रोसेस करवा दिया जाएगा कंप्लीट तौर पर इंटरव्यू नहीं होगा वीजे का फैसला जो है प्योरली आपके फाइल पर होगा अब यह हमारे लिए आसान है अब यह आपके लिए आसान है उम्मीद करता हूं कि आप इससे फायदा उठाएंगे अगली वीडियो मिलते हैं अल्लाह हाफिज